दोस्तों वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर फिटनेस। आज हम डे 8 वर्कआउट में सिर्फ एब्स की ओवरऑल वर्कआउट करेंगे, हर वेरिएशन से हर एंगल से उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। आज की वार्म अप हम जंपिंग जैक से करेंगे, तो आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप जंपिंग जैक कीजिए। तो जंपिंग जैक होने के बाद हम शुरू करेंगे सबसे पहले एब्स क्रंचेस, जो अपना स्टैंडर्ड क्रंचेस होता है उससे। नीज हल्का सा बेंड करके रखिए, हाथों को चाहे तो आप सर के पीछे रख सकते हैं या सामने रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप जब तक हाथों को सर के पीछे रखते हैं तो नेक पे प्रेशर नहीं डालना है आपको। जब भी आप ऊपर की तरफ जाएं या जब भी आप अपने स्टमक को स्क्वीज करें अंदर की तरफ, तो सांस बाहर छोड़िए, और जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो सांस लीजिए। तो ये था एब्डोमिनल क्रंचेस ओवरऑल एब्स डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है रशियन ट्विस्ट ऑब्लिक्स के लिए, मोस्टली साइड एब्स। तो आप इसमें भी दो तीन तरीके की वेरिएशन होता है। यूजुअली अगर आप चाहे तो आप पांव को सामने उठा लीजिए हल्का सा और फिर यूं कर सकते हैं। अगर कुछ वेट है तो वेट लेके ऐसे कीजिए, एक बोतल पानी भी ले सकते हैं और उसके बाद यूं करना आपको, बस सिंपल। अपर बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करिए। मान के चलिए अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो पांव को जमीन पे रखिए, नो प्रॉब्लम, और फिर यूं करिए। ये भी 10 से 15 रेप्स करना है एक साइड, यानी कि दोनों साइड मिला के अगर आप एक साइड 15 कर रहे हैं तो 30, या अगर 10 कर रहे हैं तो 20 रेप्स करने हैं आपको। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हील टू टो टच, ये भी आपकी साइड और ब्लीक्स के लिए। सेम, जब आप साइड में जाते हैं तो सांस को बाहर छोड़िए, और जब सेंटर में आपकी बॉडी आती है, ऑनलाइन पे जब आती है, तो आप सांस अंदर लीजिए और 15 से 20 एक साइड में रिपीटेशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट में जो हम करेंगे वो है रिवर्स क्रंचेस। हाथों को सर के पीछे, पांव सामने जाने दीजिए, फिर यूं। ये आपके लोअर एब्स के रिवर्स क्रंचेस के बाद हम करेंगे लेग रेजेस। अब लेग रेजेस में आप सिंगल लेग रेजेस कर सकते हैं या फिर बोथ द लेग रेजेस एक साथ कर सकते हैं। तो हम दोनों पांव एक साथ उठाएंगे, हाथों को साइड में रखिएगा, हिप्स के नीचे में साइड में। और जब आपके लेग ऊपर की तरफ आ रही है तो आप अगर आप हल्का सा हिप्स को उठा सकते हैं तो हल्का सा ऊपर उठाइए, इससे आपको ज्यादा अच्छा स्क्वीज मिलेगा एब्स में और अच्छे से आप टारगेट कर पाएंगे। ये भी आपके लोअर एब्स के लिए होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है माउंटेन क्लाइंबर्स। अगर आप लेग्स काउंट कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 बार कीजिए एक लेग से, यानी ओवरऑल 50। और जितनी बार आपकी लेग अंदर की तरफ जाती है आप सांस छोड़िए, और जब लेग बाहर की तरफ हो तो सांस लीजिए। फाइनल वर्कआउट जो हम करेंगे वो है प्लैंक्स। ये हम लास्ट वीक से कर रहे हैं, तो आप 30 सेकंड से हो सकता है तो ज्यादा जाने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट, 1.5 मिनट ट्राई कीजिए। जितना आप अपनी लिमिट को पार करने की कोशिश करेंगे उतना आपकी बॉडी अच्छे से डेवलप करेगी और अच्छे से रिएक्ट करेगी। ब्रीथिंग को कंट्रोल कीजिए, और जितनी बार आप सांस छोड़ते हैं एब्स को अपने स्टमक को उतना ज्यादा हार्ड स्क्वीज कीजिए अंदर की तरफ। ओके, तो गाइस डे 8 वर्कआउट में ये ओवरऑल एब्स की ट्रेनिंग हमने की है। ये थोड़ा टायरिंग हो जाता है, अगर आपको बीच में प्यास वगैरह लगे तो हल्का पानी वानी पी लीजिएगा, और इससे भी आपको 4 से 5 राउंड करने हैं सारे वर्कआउट, ओनली फॉर एब्स ट्रेनिंग टुडे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट डे 9 वर्कआउट बनाऊ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।